हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जो आपका क्लास ले रहा था वो BCCLE के लिए ले रहा था। तो उस समय पे आपको टाइप ऑफ द मैट्रिक्स मैं बता रहा था, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बता दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाकर के आप देख लेना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन सभी चीज़ों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप जाकर के सभी चीज़ों को चेकआउट जरूर कर लेना। और आपको चेकआउट करने से सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे BCCLE का तैयारी करना है, क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ मैंने अभी तक कवर करा रखा है। तो चलिए, आज के पॉइंट जो कि है हम लोग टाइप ऑफ द मैट्रिक्स है, उसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट जो है कि वीडियो जो आएगा वो अपने ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स पर आएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि नेक्स्ट जो टाइप आपका आता है रियल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो रियल मैट्रिक्स में आपका जो टाइप आता है वो तीन टाइप का आता है। एस्क्यू मैट्रिक्स आता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे जो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स करा रखे हैं उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना, तभी यहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्चुअली होता क्या है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया था कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब इसका ट्रांसपोज करिए और ये जो ए मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए हम लोग बात क्या करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो आपका ए कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है, तो अगर आई और जे जो उसका एलिमेंट जो दिखा रहा है, रो और कॉलम दिखाता है, वो कॉलम रो हो जाएगा और रो का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे होगा मुझे लगता है जहाँ तक कि, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हो, इस कंडीशन को ध्यान में रख सकते हो। ये कंडीशन से बनता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ तो शायद आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, इसका पोजीशन देख सकते हो कि 1 2 3 2 3 2 0 है। तो इसका कहने का मतलब कि ये जो रो था, ये जो सॉरी एलिमेंट जो था वो इसके सामने आ चुका है, ठीक है। यानी कि आई जो है जे में कन्वर्ट हो गया और जे जो है आई में कन्वर्ट हो गया, तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा पक्का एंड पक्का, ठीक है। अब चेक कर लो, अब ए का ट्रांसपोर्ट करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 1 2 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ए का जो ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं, ए का कैसे ट्रांसपोर्ट करें, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसपोर्ट आपको कैसे करना होता है, ठीक है। तो आप देख लेना पिछला वीडियो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको इस वीडियो को समझने के लिए। तो ये आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है इतना, आई होप। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, तो 2x2 का मैट्रिक्स अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स मैं बताता हूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करना है। तो देखिए डायगोनली कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए ए और आई और जे है, ठीक है, तो ये रो को दिखा रहा है, ये कॉलम को दिखा रहा है। तो जो मैंने अभी बोला कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 2 है और ये जो 2 है, इस तरीके से ट्रांसफर हो जा रहा है, फिर ये 3 और 3 यहाँ पे आ जा रहा है, 4 यहाँ पे हो जा रहा है, और ये जो डायगोनल है वो कुछ भी रहेगा, 1 2 3 4 5 कोई भी रियल मैट्रिक्स रियल रहेगा, तो ये आपका बन जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये शॉर्टकट देखने का एक ट्रिक है, ठीक ना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये चेक करने का आपको शॉर्टकट एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक ना। बट अगर आप जेन्युइनली चेक करोगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो बी जो मैट्रिक्स दिया है, बी का ट्रांसपोज करने पर ये दोनों आपस में इक्वल आता है, तो ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस तरीके से भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको चेक करोगे तो बी जो एलिमेंट यहाँ पर दे रखा है, बी का एलिमेंट है, उस सारे एलिमेंट को आप ट्रांसपोज करना, तो ये एलिमेंट निकल के आएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि रियल में है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है वो आता है आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक भी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ए कोई आपका मैट्रिक्स है, तो ए का जो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे इसके निगेटिव साइन के मल्टीप्लाई में अगर आता है, तो वो आपका होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन में लिख रखा है, जो भी कंडीशन बताया आपको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि अभी मैंने क्या बताया कि आई जो है और जे जो है, ये रो है, ये कॉलम है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाता है, तो इस कंडीशन को भी फुलफिल करेगा बट नेगेटिव साइन के अनुसार करेगा, ये आप कंडीशन याद रखना, ठीक है। और ये तब कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब आई और जे आपस में क्या होगा, बराबर नहीं रहेगा। अगर आई और जे आपस में बराबर हो जाएगा तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई और जे वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
क्या कह रहा है और कैसे इसका हम लोग पता करेंगे कि एस्क्रोसिमेटिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए आपका सिमेट्रिक में दिया हुआ और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज मैंने किया, तो सिंपल ए का ट्रांसपोज मैंने बताया था क्या कि रो को उठा करके कलम कर लो, कलम को उठा करके रो कर लो, ठीक है। तो देखिए ये रो को उठा करके मैंने कलम यहाँ तब्दील कर लिया है, तो ये देख सकते हो कि जो एलिमेंट बन जाएंगे वो मैं थोड़ा सा इसको हटा के बताता हूँ। देखिए 0, 2, -2 था वो, अब ये जो रो में था ये अब आपका कलम में आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो कि वो 0, 2 बन गया, ठीक है। उसके बाद से जो ये कलम था 2 और 4 का, ये आपका कलम में आ जाएगा, सॉरी ये जो रो है आपका 2, 4 का ये कलम में आ जाएगा, तो 2, 4 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या मैंने बोला कि कंडीशन की एक आपको माइनस से भी मल्टीप्लाई होकर के आता है तो हम लोग इसको बोले हैं कि ये जो है एस्क्यूसीमेट्रिक है। तो माइनस में भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के माइनस में मल्टीप्लाई करो, 0 ही रहने वाला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको समझाने के लिए माइनस लिख रखा है, ठीक है। जब इसमें माइनस नहीं था, ठीक है, तो अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये उठ करके यहाँ पे आया था, ठीक है। ध्यान रखना कि ट्रांसपोज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस टू के लिए हम लोग करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी था, और माइनस फिर से करेंगे तो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 में माइनस नहीं था तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स को देखिए और ये जो मैट्रिक्स आया दोनों को देखिए, अगर दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक एस्क्रोमेटिक्स हो जाएगा, सॉरी एस्क्रोसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं, तो देख सकते हो आप बिल्कुल ये जो है दोनों का एलिमेंट आपस में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 था अब यहाँ पे प्लस में 2 आ रहा है, ठीक है, वो तो सेम है, बट यहाँ पे माइनस में 2 था अब यहाँ पे माइनस में 2 है। बट यहाँ पे देखिए माइनस में 4 नहीं था बट यहाँ पे अब माइनस में 4 आ रहा है, तो ये क्या एक तरीका से एस्क्रोसिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक एस्क्रोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एस्क्रोसिमेट्रिक कैसे चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद से मैंने इसके पहले बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करना है, ठीक है। तो ये मैंने 2 टाइप बताए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 3x3 का एग्जांपल आप देखना चाहोगे तो ये देख सकते हो आप 3x3 का एग्जांपल, ठीक है। अब आपको शॉर्टकट में चेक करना है तो मैंने क्या बोला था कि जो आई और जे जो एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे रो कलम में, कलम रो में चेंज हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर आपको समझाऊँ तो देखिए ये जो 2 है ये -2 के जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है। ये जो -3 है इसके जस्ट अपोजिट 3 रहेगा, ये जो 6 है और ये -6 रहेगा, तो ये क्या होगा एक तरीका से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो डायगोनली आपका रहेगा ये कुछ भी रह सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -2, 1, 3 कुछ भी रह सकता है, ये बस रियल होना चाहिए था। तो ये आपका डायगोनली कुछ भी रहे, बस ये इंटरचेंज आपस में नेगेटिव साइन के अनुसार रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि स्क्रू सिमेट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको शॉर्टकट से भी पता चल गया होगा, ठीक है। बस आप ये ध्यान में ये रखना कि यहाँ पर -2 है तो यहाँ पे प्लस में 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में होना चाहिए था, अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में होना चाहिए था, ठीक है। अगर यही बात करूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखना है, स्क्रू जो वर्ड मैं लगा रहा हूँ उसको हटा दूँ तो बस यहाँ पे सिंपल सेम होना चाहिए था, ठीक है, सेम होना चाहिए था। बट अगर माइनस के साथ है सेम तो वो आपका एस्क्यूसीमेट्रिक्स हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है, वो नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास वो आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी जो है कि एक अपना कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए का ट्रांसपोज से इसको क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो आना चाहिए था वो आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए था, वो होता है आई, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये मैंने पहले भी बता चुका है आपको, आप जाकर के देख लेना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख के आना, इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लेना, मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेपरेट बना दिया है जो कि BCCLE के लिए मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसको आपको फुलफिल करा देगा, ठीक है। और मैट्रिक्स आपको पता है कि अच्छा खासा क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए था, अच्छा से पढ़ना, और मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था बट अब रेगुलर वीडियो आएगा तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक ना। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखना, इससे आपको पता चलेगा क्या किस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो ये क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा आपका, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक कंडीशन आता है, ठीक ना, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जब भी आप डिटरमिनेंट निकालो, जैसे एक कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया तो इसका जब भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो +-1 ही आता है, ठीक है। जनरली देखोगे तो +-1 करके ही आता है, ठीक है। तो उसमें आप जरूरी ये नहीं है कि हमेशा
प्लस में या माइनस में वन ही आएगा, वो उसके दाएं बाएं भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा गया था, ठीक ना, तो ध्यान मुझे अभी आ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर पूछा था कि ए का जो मैट्रिक्स है वो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या इसका जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा प्लस वन आएगा या माइनस वन आएगा या मे बी आएगा या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, मे बी आएगा। ठीक है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट इन जनरली देखा जाता है कि प्लस माइनस वन ही आता है, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक ना, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है ना, वो होता है आपकी मे बी वाला हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे नोट में मैंने लिख भी रखा है कि मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ऑर्थोगोनल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप खास ध्यान में रखना, जो कि अब ऑब्जेक्ट में पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, तो खास ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, कंडीशन में मैंने बता दिया। अब कंडीशन को मैं थोड़ा सा प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये वन जो है और ये प्लस माइनस वन का जो फंडा है वो कैसे आया था। ठीक ना, तो इसके ऊपर हम लोग बात करें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो आपको बताया अभी कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इसका क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड की इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब आपको पता है कि कोई भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इक्वल टू का वन आता है। ठीक है, ये भी क्लियर होगा आपको। तो ये कंडीशन में मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो पहले का वीडियो आप देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या करूँ कि ये जो आपस में ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि ए और ए का ट्रांसपोर्ट जो करूँगा मैं और उन दोनों का जो मैं क्या डिटरमिनेंट निकालूंगा वो भी वन के बराबर आएगा। तो ये कंडीशन को भी आप फुलफिल कर सकते हो। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे अब क्या कर रहा हूँ कि ए और बी कोई भी मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, जो कि ट्रांसपोज मतलब कि दोनों जो होगा ए और बी, उसको मैं अगर एक तरीका से मैं बोलूँ कि बाईपार्ट करके भी लिख सकता हूँ मैं। आपको पता होगा कि ए कोई मैट्रिक्स है, फिर बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों और ए और बी में कोई मैट्रिक्स है, तो इसको दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ए का डिटरमिनेंट निकल के फिर बी का डिटरमिनेंट निकल के भी गुणा करो, दोनों आपस में बराबर आता है। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पर लिखा है कि ए को अलग कर दिया और ए के पावर टी यानी कि ए का ट्रांसपोर्ट जो था यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। तो इसको लिखा है ए अलग लिखा है और ए के पावर टी यानी कि ट्रांसपोर्ट, दोनों को अलग अलग करके एक के बराबर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ, बेशक लिख सकता हूँ। जिस प्रॉपर्टी से मैंने बताया वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इतना करने के बाद से अब आप देख सकते हो कि ए का ट्रांसपोर्ट करोगे तो ए का ट्रांसपोर्ट अगर ए आ जाता है तो ये भी मतलब कि ए का ट्रांसपोर्ट भी आपको क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो आप बताओ कि जब ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए का ट्रांसपोर्ट किसके बराबर आ रहा था, ए के बराबर आना चाहिए था, तो दोनों ये एक ही हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग ए ए भी लिख सकते हैं। अब जैसे ए लिख सकते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ए के पावर में भी देख सकते हैं दो, यानी कि ए के स्क्वायर दे सकते हैं और ये आपका डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो अगर मतलब कि स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन हो जाएगा। तो रूट अंडर वन का जब वैल्यू आप निकालोगे तो प्लस माइनस वन ही आता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ए का डिटरमिनेंट आता है वो प्लस माइनस वन आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इसको बोलेगा हम लोग फोर सिमेट्री, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा जब ये ए का ट्रांसपोर्ट ए के ट्रांसपोर्ट के बराबर होगा। यानी कि ये मैं जो बता रहा हूँ वो केवल और केवल बता रहा हूँ किसके लिए, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ये कंडीशन आप याद रखना कि ये कंडीशन ए का कोई अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, प्लस माइनस वन होगा, किसके लिए, फोर ऑर्थोगोनल फोर स्क्रू मैट्रिक्स। सभी मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं होता है, बट ओनली और ओनली किसके लिए होता है, स्क्रू मैट्रिक्स के लिए होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्क्रू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए ए का डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, तो आप याद रखना प्लस माइनस वन होता है। मैंने यहाँ पर प्रूफ भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप खास ध्यान में रखना। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि मैंने अभी क्या बोला कि ए और ए का आप क्या करोगे, इन्वर्स करोगे, तो ये आपका आता है क्या, आई आता है, यानी कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और हमने अभी बोला कि ए का ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये भी आपका क्या आता है, आई आता है। तो इन दोनों को इक्वेशन दोनों को मतलब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप एक और फार्मूला देख सकते हो, वो देख सकते हो कि ए का ट्रांसपोर्ट और ए का इन्वर्स दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए के इन्वर्स बराबर हो जाएगा किसके, ए का
ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक रिलेशन याद रखना, ये भी रिलेशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसका भी एक ऑप्शन रहेगा, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था आपका जो था वो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स था। ठीक है, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैंने और भी जो टाइप्स थे वो पहले वीडियो में करा रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जा करके देख लेना। ठीक है, इसके सिवाय एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने पहले ही बता रखा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो बट उसका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे उसमें पे मैं नहीं बता पाया था। ठीक ना, तो अभी जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया है कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो क्या होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो वहीं मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट में लिख रखा है, वो समझते हैं कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉसिबल। यानी कहने का मतलब कि जब भी हम सिंगुलर मैट्रिक्स का जब भी होगा तो केवल और केवल किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। मतलब कि सेम का क्रॉस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये पहले मैंने बता रखा ऑलरेडी, बट फिर भी ये मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इन्वर्स के बारे में। ठीक है, तो ए इन्वर्स जो होता है, इसका एक फॉर्मूला आता है, वो आप यह ध्यान रखना कि ए का एडजॉइंट बटे ए का डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए का इन्वर्स निकालना, तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे निकालना है, डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, ये मैं बताऊंगा सेपरेट, उसके लिए वीडियो आएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मैं फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, बट अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि ए इन्वर्स जो है कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये निकालने का एक फॉर्मूला आता है, आप ध्यान में इसको रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात क्या करने वाला हूँ कि जैसे अब मैं अभी बता रहा था आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर बता रहा था, तो वहाँ पे एक कंडीशन आता है कि डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ए पूछा जाता है कि ए इन्वर्स जो है कब पॉसिबल है। ए इन्वर्स सबका आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक ना, ए इन्वर्स मैं बोल रहा हूँ कि सबका आप नहीं निकाल सकते हो, ए इन्वर्स उसी का निकाल सकते हो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि एग्जिट करेगा जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग निकालना चाहें ए इन्वर्स, तो उसी का हम लोग निकाल सकते हैं जिसका मतलब कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने लिख रखा है कि मैट्रिक्स जो एग्जिट करेगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आपका इन्वर्स एग्जिट करेगा, और डज नॉट एग्जिट इफ़ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है कोई, मान लीजिए कि ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट अगर क्या जीरो है, तो इसका हम लोग इसका एक इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग जो बात करेंगे वो नेक्स्ट हम लोग आने वाला वीडियो में बात करेंगे, हम लोग ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि मतलब एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इन सभी के ऊपर डिटेल्स में मैं जो बात करूँगा वो अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और रेगुलर अब क्लासेस होंगे आपके BCCLE के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।